साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2022 में हर क्षेत्र में भारत का दमखम रहा। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मारक पर जाकर पीएम ने किया नमन। बीजेपी गुड गवर्नेंस के रूप में मना रही है अटल जी की जयंती। संसद के सेंट्रल हॉल में दी गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष के अलावा दोनों सदनों के सदस्यों ने की प्रार्थना सभा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवे बोले पॉजिटिव पाए जाने पर किए जाएंगे क्वारंटीन। पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। कोरोना से मचा हाहाकार के बीच चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन का ऐलान, आज से कोरोना के आंकड़े जारी नहीं करेगा चीन। चीन में एक दिन में 3,70,00,000 लोगों के संक्रमित होने की आशंका। अस्पताल फुल, अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन का लंबा इंतजार। सामने आई एक्टर तनिषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गले में फंदा लगने की वजह से हुई मौत। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी श्रीजान नहीं कर रहा है जांच में सहयोग। तनिषा से झगड़े के सवाल पर बदल रहा है बयान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में अगले 48 घंटे सताएगी शीतलहर। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। पूरे देश में आज मनाया जा रहा क्रिसमस का त्यौहार। गिरजाघरों में शुरू हुई प्रार्थना सभाएं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्रिसमस की दी बधाई, लिखा ये विशेष दिन हमारे समाज में सद्भाव और आनंद की भावना को आगे बढ़ाए। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।